टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ वायरसेस और इंटरनेट सर्विसेज। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना भूलेगा मत। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, हम इसे ऑन कर लेंगे। तो ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, ये हमारा वेब पेज खुल गया। तो अब हम लोग पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरा पेज है, नोटपैड में लिखा मैंने। ये एक कोडिंग लैंग्वेज का इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये अब हम लोग हैं वायरसेस। वायरस, द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, द वर्ड वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिसरप्ट्स टू द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर एंड इनफैक्ट इरेजेस और डैमेज द फाइल। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता है, जैसे हमारे लैपटॉप या फ़ोन जिसमें भी आ जाता है उसके फाइल्स को और डेटा को डिलीट कर देता है, और उसमें जब ये आता है यूज़र के बिना नॉलेज में आ जाता है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज में। टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ वायरस दे आर सीक्रेटली हिडन मैनी डेज। फॉर एग्जाम्पल, सम वायरस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक ऑन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर इन द सेम डे टू एंड दैट डे इज। ये अब हम लोग कुछ एकदम सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जैसे ये कोई भी फ्राइडे, अगर वो 13th ऑफ द किसी भी महीने के फ्राइडे में पड़ रहा है 13th डे, तो उस दिन हमें वायरस के आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देखिए यहाँ भी लिखा है, इफ़ एनी डे ऑफ द फ्राइडे इज इन 13th देन इट हैज़ द ग्रेटर चांस टू अटैक द कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एटसेट्रा। फिर यह वायरस के अदर टर्म्स भी होते हैं। वायरस आर सम अदर टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद वायरस प्रोग्राम बट आर एक्चुअली डिफरेंट। उसके नाम्स होते हैं ट्रोजन, उसके नाम्स होते हैं ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, मालवेयर और स्पाइवेयर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं वो सिंपल प्रोग्राम होता है दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल एप्लीकेशन वेयर एज इट ऑलवेज डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव, मोस्टली डैमेजेस अ कंप्यूटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉर्म के बारे में। वॉर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी फ्लॉज दैट दे कैन ओवरलोड नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली विच इन टर्न स्लो डाउन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मालवेयर के बारे में, जो कि यहाँ लिखा है, ये मालवेयर स्पाइवेयर। मालवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इन टू कंप्यूटर एंड डैमेजेस विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर। और पढ़ेंगे स्पाइवेयर। स्पाइवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर विदाउट द नॉलेज। वो एक ऐसा ऐप है जो डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप पे, पर हमें दिखेगा नहीं कि वो कहाँ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब वायरस के भी अंदर तीन प्रकार होते हैं, बूट, उनके प्रकार बूट वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस और माइक्रो वायरस। बूट वायरस जो होता है ना वो मतलब पीसी या लैपटॉप के बूट सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, मतलब उसके इनर सिस्टम को। और प्रोग्राम फाइल जो वायरस होता है, नाम से ही पता चलता है, प्रोग्राम फाइल लिखा है, दिस इन्फेक्ट्स द फाइल स्टोरेजेस। और माइक्रो वायरस जो होता है वो मेन वायरस होता है, द इन्फेक्ट द स्पीड, माउस का स्पीड जो होता है उसको बिना कुछ करें विजिबिलिटी एक लेयर बैठा देता है, हाँ, एंड मैनी थिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर। भी हमें पता कैसे चलेगा कि वायरस हमारे लैपटॉप में आ चुका है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स जानने के लिए पेज डाउन करते हैं।
सिम्टम्स यहाँ देखिए लिखा है, सिम्टम्स ऑफ वायरसेस आर रिड्यूस द स्पीड ऑफ माउस एंड ट्रांजेक्शन, रिड्यूस द मेमोरी ऑफ नेम, रिफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क, फ्रीक्वेंट हैंगिंग ऑफ कंप्यूटर. सम वेज टू प्रिवेंट लैपटॉप और पीसी फ्रॉम वायरस. एवरी लैपटॉप मस्ट बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम्स. ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव और फाइल बिफोर कॉपिंग. यूज द वेब ब्राउज़र एंड ईमेल वेरी केयरफुली. अब हम वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज बूट सेक्टर वायरस नेम्ड एज ब्रेन रिलीज्ड इन 1987 बाय द फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर पाकिस्तान. पीसी का जो वायरस होता है वो पहली बार निकला था पाकिस्तान में 1987 में और वो निकाले थे फारूक अलवी ब्रदर्स लाहौर के. और पूरे वर्ल्ड में कुछ फेमस वायरसेस हैं, मैं ऐसे 6 वायरसेस के नाम बताऊंगा जो आप देख सकते हैं. ये रहे नाम है उनका, जेरुलिज्म और इजरायली वायरस, ब्रेन ऑफ पाकिस्तानी वायरस. ब्रेन ऑफ पाकिस्तानी जो है वही फर्स्ट भी थी, अप्रैल फर्स्ट, पिंग पोंग वायरस, स्टोन्ड वायरस और डार्क एवेंजर वायरस. डार्क एवेंजर जो है वो बहुत खतरनाक होता है. अब हम वायरस के बारे में इतना पढ़ तो लिए हैं पर उसको प्रिवेंट कैसे करना है, हमें लैपटॉप या मोबाइल उसको प्रिवेंट कैसे करना है, तब हम उसके लिए कुछ वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं. तो हम आप एंटीवायरस प्रोग्राम सीखते हैं. ये देखिए सम एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, MCAFEE फ्री वायरस स्कैन, AVG एंटीवायरस, कमोडो एंटीवायरस और अवीरा एंटीवायरस. यहाँ भी आप नाम देख सकते हैं किसी के, MCAFEE वायरस स्कैन, AVG, कमोडो और ये अवीरा एंटीवायरस. इनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ होता है इस कमोडो एंटीवायरस का इस प्रकार. तो फिर हम पेज डाउन करते हैं. अब हम सीखेंगे कि हाउ टू स्कैन अ वायरस. टू स्कैन अ वायरस टेक द PDF और अ फाइल एंड गो टू स्कैनिंग एवीज इन द लैपटॉप. स्कैन द स्कैन बटन एंड आफ्टर द सक्सेसफुल स्कैनिंग ऑफ द फाइल और PDF क्लिक द मैसेज क्लोज. वी विल बी नोटिफाइंग दैट द PDF हैज बीन स्कैन्ड फुली बाय विंडो डिस्प्लेइंग मैसेज दैट स्कैन इज कंप्लीटेड. अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी इंटरनेट सर्विस. Social networking sites is a group of individuals who share their thoughts, ideas, activities, events, interests, photos, messages and videos over the internet. उसके कुछ popular sites हैं Facebook, LinkedIn, Hi5, microblogging, Twitter, Instagram, etc. तो अभी हम पढ़ेंगे microblogging and Twitter. Microblogging is a new form of communication in which users can share their thoughts via short posts, instant messaging, images, audio, video links, email, etc. Some of the most notable services are Twitter, Tumblr, Plurk, Jaiku, etc. Twitter is an online social networking site that allows users to send and receive text-based messages known as tweets. A tweet is restricted to 140 characters. Internet forum. The term internet forum refers to a discussion in a website where people with common interest can communicate in the form of posted messages. People often confuse a forum as a chat room. अब मैं आपको कुछ e-greeting के sites बताने जा रहा हूँ. An e-greeting is an electronic greeting card that you can send over the internet to convey your wishes and friends and relatives. These are many sites on the internet which provide the facility of sending free e-cards. Some of the popular e-greeting sites are www.123greetings.com, www.hallmark.com, www.archiesonline.com, www.americangreetings.com. इनमें से आप इस वाले को मोस्टली प्रीफर कर सकते हैं, इस वाले को www.123greetings.com. फिर हम लोग आप कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इंटरनेट सर्विस के बारे में. फाउंडर ऑफ ट्विटर जॉन डॉर्सी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग नेटवर्क. ये है ट्विटर का फाउंडर जॉन डॉर्सी. और हम लोग जब भी एक मेल आता है उसमें एक अटैचमेंट रहता है, टू सी दैट अटैचमेंट ये एक सिंबल आएगा हमारे पास एक पेपर क्लिप का, उसी से अटैचमेंट पता चलता है.
signature. A signature is an email in the text which is automatically added to our outgoing email. It can be added by selecting the settings tab on the top right of the window and further selecting settings option from it. We can include our personal and official detail like our name, designation, official or residential address and phone numbers. अब मैं आपको कुछ IT inventors के नाम बताने जा रहा हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं, बिल गेट्स, द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. स्टीव जॉब्स वॉज द को फाउंडर ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द एप कंपनी एप्पल. लैरी पेज एंड सर्जी ब्रैन फाउंडेड द गूगल, द मोस्ट फेमस सर्च इंजन इंटरनेट. नारायण मूर्ति को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन IT पर्सनैलिटी. Jen Comment, Brian Acton, founders WhatsApp Inc., the most popular messaging app. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, the most popular social networking site. He is the world's second young self-made billionaire. Tim Berners-Lee, he invented the www, World Wide Web. जो हम लोग हर साइट के पहले www dot लगाते हैं, उसको इसी ने इन्वेंट किया था. James D. Russell invented the Digital Compact Disc, means CD, in 1965. BASIC was developed by Sir Johnny Kamene and Thomas Kurtz. Intel was formed by Bobby Noack and Gordon Moore. In 1938, the Chester Carlson invented a dry printing process called Xerox, the foundation of technology for the laser printers. Martin Cooper, the former general manager at Motorola, in the inventor of first portable handset mobile phone. तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल आपको इतना ही बताना था. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.